जातिगत जनगणना आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने दिया ज्ञापन। मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश भर में आंदोलन की दी चेतावनी। खबर श्योपुर से आ रही है। ओबीसी महासभा के आह्वान पर ओबीसी महासभा जिला इकाई श्योपुर ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्ट्रेट श्योपुर पर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को ज्ञापन दिया। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष विनोद मीणा अडवाड में जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन में ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना करवाने संख्या के अनुपात में 54% आरक्षण देने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी कोटे में थर्ड जेंडर को सम्मिलित करने का निर्णय असंवैधानिक है। थर्ड जेंडर को पृथक से अधिकार देने की मांग की गई। केंद्र अथवा किसी भी राज्य में ओबीसी की सूची में मोदी नाम की किसी भी जाति का उल्लेख नहीं है। सरकार इस प्रकरण में अकारण ओबीसी को घसीट रही है, जो ओबीसी समाज का अपमान है, जिसके लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे, अन्यथा ओबीसी महासभा अग्रिम कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। संविधान जो आज ओबीसी महासभा का जो है ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था कलेक्ट्रेट चौपुर का, और इसका समर्थन जो है भीम आर्मी भी कर रही है। और यदि जातिगत जनगणना यदि नहीं होती है समय रूप, अगर कार्रवाई जल्दी नहीं होती है, और जो मोदी को लेकर के जो सरनेम जो लिया गया है, ओबीसी महासभा को जो बदनाम करने का षड्यंत्र इस कूटनीतिक सरकार ने जो रचा गया है, मोदी सरनेम लगा करके, उसको जल्दी से जल्दी हटवाया जाए। अन्यथा ओबीसी महासभा, समस्त भीम आर्मी संगठन और समस्त दलित संगठन सब मिल करके एक उग्र आंदोलन करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो है जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनके खिलाफ हम याचिका दर्ज करवाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय ओबीसी। आज ओबीसी महासभा के आह्वान पर ओबीसी महासभा जिला श्योपुर इकाई के बैनर तले प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और मांग की है देश भर में जातिगत जनगणना करवाई जाए और संख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग को उसकी हिस्सेदारी दी जाए, आरक्षण दिया जाए, और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व और संरक्षण की आज मांग की गई है। साथ में जो ट्रांसजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है, इसकी ओबीसी महासभा ने विरोध किया है और सरकार से मांग की है जो ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए। ओबीसी वर्ग में ट्रांसजेंडर को शामिल करना एक प्रकार से ओबीसी वर्ग के हितों पर कुटाराघात व ओबीसी का एक प्रकार से अपमान है। इन सब को लेकर और भी जो स्थानीय विषय हैं, ओबीसी वर्ग के हक अधिकार से जुड़े हुए विषय, आरक्षण से, प्रतिनिधित्व से और जातिगत जनगणना के जो विषय है, उसको लेकर आज ओबीसी महासभा की जिला इकाई श्योपुर ने ओबीसी महासभा के बैनर तले आज ज्ञापन दिया है और प्रशासन ने मांग की है हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश भर में ओबीसी महासभा उग्र आंदोलन करेगी। आज ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य मांगे जैसे पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना करा करके उनको अपने हक अधिकार दिए जाएं और जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है, उसको संख्या के आधार पर दिया जाए। आज एक बीडी शर्मा जी और अन्य लोगों के रामवर्धाचार्य द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कथावाचक के द्वारा कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। इसका पुरजोर तरीके से ओबीसी महासभा इसका विरोध करती है और इसको लेकर के हमने अल्टीमेटम भी दिया है, जिसको लेकर के हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, उसके ऊपर FIR नहीं होती है, तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही के लिए कदम उठाएंगे। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मोदी सरनेम जो ओबीसी वर्ग में कहीं से कहीं तक नहीं है, जिसको लेकर के पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मोदी जाति का नाम लेकर के ओबीसी का अपमान किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको लेकर भी हमने बीडी शर्मा जी के लिए और जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको लीगल नोटिस भी दिया है। उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।